नमस्कार आदाब, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। जिस तरीके से आपको पता है कि मुमरा शहर में जो ट्रिपल तलाक को लेकर यहाँ पे 26 तारीख को एक विशाल रैली निकाली जा रही, उसी ताल्लुक से हम यहाँ के जो स्थानीय नगर सेविका है फरजाना शाकिर शेख, उनसे बात करते हैं कि मैडम किस तरीके का आपका यहाँ पे समर्थन मिल रहा है और किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस रैली में से ज़्यादा शरीक हों। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निगरानी में जो 26 मार्च को मुस्लिम्स खातिन मिलकर खामोश रैली जो निकाल रही है, उसके ज़रिए हम हुकूमत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो हमारे शरीयत में दाखिल होकर इस कानून को बना रहे हैं, हम इसका एहतजाज करते हैं। हुकूमत को कोई हक नहीं है कि वो हमारी 1400 साल पुरानी जो बनी हुई है कानून, उसको वो बदली करें। हम ये होने नहीं देंगे। हजरात जेल में जाकर बैठ जाएंगे तो उनका घर का खर्चा कौन चलाएगा, उनके बच्चों को स्कूल की फ़ीस कौन भरेगा? तो ये इसको अच्छे से समझे कि ये कौन सा कानून लागू हो रहा है। ये तो हम लोग की शरीयत को एक निशाना बना रहे हैं, हालांकि ये हमारे शरीयत में ये मदाखलत कर रहे हैं, जिससे हो सकता है इनको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो हमारी इस चीज़ को लेकर। तो ये उनको नहीं करना चाहिए। किस तरीके से प्रचार कर? हम एरिया में एक मीटिंग्स रख रहे हैं ताकि वहाँ से 4-5 बिल्डिंगों की जो लेडीज़ है एक जगह इकट्ठा हो, क्योंकि कई खातिन को इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता है कि 3 तलाक का मतलब क्या है। इसके लिए हम हमारी उलमाएँ हैं, जो आलिमा हैं, उनको लेकर हर छोटे छोटे जगह मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि उनके समझ में आए और वो 26 मार्च को अपने घरों से ज़्यादा तादाद में आके मिलकर इस रैली को कामयाब करें। अपनी बहनों से, खातिन से अपील करती हूँ कि वो 26 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकल कर इस रैली को कामयाब बनाएं। इस बारे में और महिलाओं से बात करते हैं। कानून जो बन रहा है, तो क्या लगता है आपको, ये कानून बनने से महिलाएं वापस सुरक्षित हो जाएगी? ये कानून कोई सही नहीं है। वो जिस तरीके का कानून निकाल रहे हैं, इस हमारी माँ बहन बेटियों को तकलीफ ही होगी। जिस तरीके से वो 3 साल उनको अंदर डाल देंगे, तो उससे हमारी माँ बहनों को क्या फ़ायदा है? क्या इस खर्चे को वो कबूल करेंगे कि हमारी माँ बहन इज्जत से बैठे और वो उनके खर्चे दें? तलाक तो एक बहाना है, ये शरीयत पे निशाना कर रहे हैं और ये शरीयत में इनकी दखल अंदाजी हमें मंजूर नहीं है। तो ये हमें मंजूर नहीं है। इसी तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हम लोगों ने ये एहतियाती रैली रखी है कि हमारी माँ बहनें घर से बाहर होकर निकले और इस चीज़ को समझे कि तलाक कोई आसान तलाक नहीं है जिस पर इन्होंने हाथ डाला है। ये हमारे मुसलमानों पर हाथ डाला है, तलाक पर हाथ नहीं डाला। हमारे मुसलमानों की माँ बहनें, मर्द और बीवी बच्चों पर सब पर हाथ डाला है, ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और शरीयत को समझते हैं, कुरान को समझते हैं, तो उनको घरों से बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। अगर वो निकलेंगे तो हमारा दीन बच जाएगा और हमारे बच्चे भी, हमारे भाई बहन भी, बच्चे भी बचेंगे। आज हमारे साथ नगर सेविका हफीज़ा नाइक भाभी है, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से 26 मार्च को एक पैदल मार्च औरतों का निकाला जा रहा है ट्रिपल तलाक के खिलाफ, जैसे औरतों को जुलूस में ले जाना, मतलब ये पहली बार ऐसा है, सब औरतों को मैसेज दे रहे कि देखो अगर आज नहीं तो फिर कब, हम नहीं, जरी सी चिंगारी आग ले लगी, वो चिंगारी को वहीं दबा दो। इस्लाम के लिए कोई ऐसा हमला कर, उसके लिए वो हुजूम में आ रही है। ये देखो हम एक दो को बुलाते, चार आदमी, ये मामला अपना पढ़ता है अपने हदीस से, और मुसलमान नहीं जागृत हो जाए कि भाई अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हमारी इतनी इंजॉय और रिक्वेस्ट है लेडीज़ लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप उतरिए और सारी वोल्ड कीजिए। अभी हम बात करते हैं महिला नगर सेवक, जो भी इस जो यात्रा निकाली जा रही, खामोश रैली निकाली, उसमें भी उनका बढ़ चढ़ के योगदान रहा है। उनसे बात करते हैं ट्रिपल तलाक के मसले पर। मोदी सरकार को अगर हमारी इतनी ही फिक्र है तो वो हमारे बच्चों को काम रोज़गार दे। हमने कुछ साल पहले जो एक रैली निकाली थी कि हम आरक्षण के लिए, तो वो तो हुआ नहीं है। आरक्षण दो हमको, हमारे को जॉब दो, हमारे बच्चों को नौकरियां दो गवर्नमेंट में, वो तो उनसे होता नहीं है। और तलाक ये लफ्ज़ जो पहली बार नहीं आया है, जो मोदी सरकार ऐसे दिखा रही है कि मैंने मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाया है, तो ये लोगों में कहीं तो मतलब क्या बोलते, एक अलग गलत फहमी फैला रहे हैं। क्योंकि ईमान वाली औरतें जो हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा है, कुरान को समझा है, उन्हें ये बेहतर पता है कि हमारे कुरान शरीफ में औरतों के लिए काफ़ी हद तक इज्जत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है ट्रिपल तलाक वाली जो बात है,
ठीक है, आदमी तीन तलाक देता है तो उसके लिए भी अलग अलग मसले मसाइल हैं। हमारे दीन के मामले में इंटरफेयर न करें तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मुसलमान औरतें जब तक चुप है तब तक चुप है। इन्होंने इतनी गलत मतलब वो कानून लाया है कि अगर मियां बीवी में झगड़ा हो और वो औरत की बहन या कोई और पड़ोसी जाकर अगर कंप्लेंट करे तो उस शख्स को 3 साल के लिए जेल है। आप सोच सकते हैं 3 साल के लिए अगर आदमी को जेल होती है तो उस औरत को संभालने वाला, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन रहेगा, उसके बच्चों को संभालने वाला कौन रहेगा अगर उनको बच्चे रहेंगे तो। वो लोग हमारे औरतों की जिंदगियां ख़राब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी औरतें बेरोज़गार तो हैं ही, हमारे बच्चे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं हमारी औरतें भी रास्ते पे आ जाए और गलत गलत जो है जगहों पे पाई जाए। हमारे दीन को पूरी तरीके से वो ख़त्म करने की एक साजिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस साजिश में उनको कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। हमने हमारी औरतों को समझाया है कि देखिए ये जो कानून आया है इसमें मर्द और औरत का दोनों का नुकसान है, क्यों कि अगर मर्द को 3 साल के लिए सज़ा होती है तो घर बर्बाद होता है, घर बर्बाद होने से पूरा ख़ानदान बर्बाद होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी तंजीमों की कि जो बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे कोई भी राजनीति कोई भी पॉलिटिक्स न करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान एकजुट होकर इसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो चाहे बच्चे हों। तो उम्मीद है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें रास्ते पर आएँगी। ये थे हमारे साथ में नगर सेविका आशरीन इब्राहिम राउत। सभी लोगों की पूरी कोशिश जारी है पूरे मुमरा शहर में कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस एहतजाज में शरीक होकर अपना जो एहतजाज है वो सरकार के ख़िलाफ़ दर्ज कराए। और जिस तरीके से जयपुर और मालेगांव और दिगर शहरों में जो एक कामयाब रैली निकाली गई थी, उसी तरह मुमरा शहर में भी एक तारीखी रैली निकाली जाएगी हुकूमत के ख़िलाफ़। कैमरामैन अनीब शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।